नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 टू 16 के अकॉर्डिंग इंडिया में से हर 20 में से एक इंसान को डिप्रेशन है। 15 से 14% इंडियंस जो 24 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं रिपोर्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। हाय, आई एम इशिता, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन सिम्टम्स विद डिफरेंट एज ग्रुप्स। कभी कभी सैड या लो फील करना आम बात है, बट इफ ये फीलिंग्स कंसिस्टेंट है, बार बार हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता, दिस कुड ऑल बी डिप्रेशन। डिप्रेशन कॉमन बट एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है। एंड डिप्रेशन इज जस्ट नॉट ऑफ वन काइंड, डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं और डिप्रेशन के कई लेवल्स होते हैं। डिप्रेशन कुड बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। सब लोग सेम तरह के इस डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। हर एज का पर्सन अलग अलग तरह के डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाता है। अ लिटिल डिस्क्लेमर बिफोर वी गो अहेड, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर साइको एजुकेशन पर्पसेस। इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी और तरह का मेंटल हेल्थ इशू, I would suggest you reach out to a mental health professional, a psychologist or a psychiatrist to help you. Let's start with the youngest age group, that is children. Now, kids with depression show symptoms differently than the others. यहाँ behavioral symptoms हो सकते हैं, जैसे school जाने का मन ना करना, पहले से ज्यादा या पहले से कम खाना, sleeplessness या फिर बहुत ज्यादा सोना, activities जो बच्चे को पहले बहुत ज्यादा पसंद थी अब करने का मन नहीं करता, पहले से decreased energy या activity levels, clinging to their parents या caregivers, loss of interest in school and poor academic performance. And then there can be emotional symptoms jaise aggressive mood rehna, easily irritable hona, increased sensitivity to rejection or failure. Physical symptoms bhi ho sakte hain jaise complaints of stomach ache, headache or even body ache. कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में डिप्रेशन के रिस्क बढ़ा सकती हैं, तो इसमें आते हैं फिजिकल रीजंस जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ या किसी तरह का फिजिकल एलमेंट या डिसेबिलिटी। देन आते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट्स, परिवार में लड़ाइयाँ, पेरेंट्स का सेपरेशन या डिवोर्स, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ लड़ाई एंड बुलिंग। देन कम्स अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज भी बच्चों में रिस्क फैक्टर काउंट करता है डिप्रेशन का। या फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को किसी तरह का मेंटल हेल्थ इशू या फिर डिप्रेशन रहा हो तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग सिमिलर मेंटल हेल्थ इशू और डिप्रेशन गेट वेरी हाई। टीनेज एंड अडल्टहुड में डिप्रेशन के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं, भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना, नींद ज़्यादा आना, नींद कम आना, वेट गेन और वेट लॉस, ये प्रीटी मच सेम रहते हैं ऑल थ्रू आउट द एज ग्रुप्स। टीनेजर्स में यूज़ ऑफ सब्सटेंस आ सकता है। यूज़ ऑफ सब्सटेंस मीन्स यूजिंग एल्कोहल और ड्रग्स टू कोप अप। देयर कुड बी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेस्टलेस, इरिटेबल रहना, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस या नमनेस, हेल्पलेसनेस बढ़ना एंड नेगेटिव व्यू ऑफ लाइफ, मतलब आगे कुछ नहीं रखा, देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग आई कैन डू टू चेंज थिंग्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट वंस दे फाउंड एंजॉयबल, जो चीज़ें उन्हें पहले करने में मज़ा आता था अब वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ ब्लेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टास्क, कोई चीज़ में ध्यान लगा के काम करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है, फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक एंड बॉडी एक, एंगर आउटबर्स्ट और रिस्की बिहेवियर्स। अगेन कॉजेज ऑफ डिप्रेशन इन टीन्स कुड हैव मेनी रीजंस। बुलिंग इफेक्ट करती है सेल्फ एस्टीम को, जो ट्रिगर करता है फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। अदर मेंटल और फिजिकल हेल्थ एलिमेंट्स, पास्ट और प्रेजेंट स्ट्रेसफुल इवेंट्स, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, हम सबको एक सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है टू गेट अस थ्रू द टफ टाइम्स इन लाइफ, बट अगर हमारा ये सोशल सपोर्ट ग्रुप बना नहीं हुआ तो हमारा रिस्क ऑफ डिप्रेशन बढ़ सकता है। टीन्स या यंग एडल्ट्स जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ डिप्रेशन देन देयर पीयर्स। टीन्स में फोमो डेवलप होने का या फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप होने के चांसेस भी इसी रीजन से बढ़ जाते हैं। दे फील लाइक इफ दे आर नॉट ऑन द इंटरनेट दे माइट मिस ऑन समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए। इस चीज़ में कंपेयरिंग भी आ जाता है क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट अदर पीपल्स लाइफ, जजिंग देयर फोटोज एंड इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ अ परफेक्ट लाइफ एक्सेप्ट यू, तो ऐसे में भी डिप्रेशन का चांसेस बढ़ जाता है। अर्ली एंड मिडिल एज अडल्ट्स, यहाँ पे डिप्रेशन के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। हैविंग डिक्रीज्ड लिबिडो, एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज स्लीप, नींद आने में दिक्कत होती है,
एक बार नींद आ भी जाए तो दो दो घंटे में खुलने लगते हैं. डेवलपिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज सच एज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फीलिंग डाउन हार्टेड या अपसेट. डिक्रीज सेल्फ केयर, खुद के लिए सोचना नहीं, खुद के लिए कुछ करना नहीं. इंक्रीज एपेटाइट या डिक्रीज एपेटाइट, वेट गेन और वेट लॉस्ट, एंगर आउटबर्स्ट, बाकी के सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं. टॉकिंग अबाउट ओल्डर अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स में डिप्रेशन के सिम्टम्स लेस ऑब्वियस होते हैं, इनको पहचानने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. ओल्डर अडल्ट्स में डिप्रेसिव मूड की जगह इमोशनल नमनेस दिखाई देती है, मतलब वो सैड की जगह कम्प्लीटली इमोशनली नम फील करते हैं. रिट्रीट फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज और इंटरेक्शन, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं. एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स इन मेमोरी, चीज़ें रखकर भूल जाना, बातें याद ना आना, मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं. कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे एस्पेक्ट्स में इफेक्ट पड़ता है. सो ओल्डर अडल्ट्स में डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बीइंग अ फीमेल, सो ये देखा गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन, फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन दैन मेल्स. बीइंग सिंगल, अनमैरिड, डिवोर्स्ड और विडोड कुड ऑल्सो इंक्रीज योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन. लैक ऑफ सोशल नेटवर्क, दोस्त ना होना, कोई बात करने के लिए ना होना, एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जैसे किसी की डेथ होना या ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप. फिजिकल कंडीशंस जैसे स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, दीज कैन ऑल कॉज डिप्रेशन इन ओल्डर अडल्ट्स. डैमेज टू बॉडी में जैसे एम्प्यूटेशन, कोई कैंसर की सर्जरी या फिर हार्ट अटैक, दीज कैन ऑल इफेक्ट यू मेंटली. डिपेंडेंस, ओल्डर अडल्ट्स में डिपेंडेंस बढ़ जाती है. एज वी ग्रो ओल्डर हम वी नीड समवन टू डिपेंड ऑन, क्योंकि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस डिक्लाइन करते हैं, हमारे फिजिकल फंक्शंस डिक्लाइन करते हैं. ऐसे में फीलिंग हेल्पलेस, फीलिंग होपलेस, ये फीलिंग्स बढ़ जाती है. रीसेंट लॉस ऑफ अ लव्ड वन, स्पेशली इफ इट्स योर स्पाउस और अ फैमिली मेंबर. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल फॉर डिप्रेशन एंड अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट ये रिलायबल नहीं होते हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती. मोस्ट वेबसाइट्स पे कोई ऑथर मेंशन नहीं होते. कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन, चाहे वो डिप्रेशन हो या कुछ और, सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ही डायग्नोस कर सकता है. सेल्फ डायग्नोसिस कैन बी डेंजरस. इफ़ यू फील यू हैव सिम्टम्स एंड वो कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. टेक केयर.